नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोधपुर रेलवेज़ यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ शॉर्ट जर्नी वीडियो जोधपुर से लूनी जंक्शन तक। रीडेवलपमेंट काम के चलते टिकट काउंटर और एटीवीएम को शिफ्ट कर दिया गया है स्टेशन के बाहर जो स्टीम इंजन रखा हुआ है उसके पास वाली बिल्डिंग में। तो दोस्तों टिकट ले लिया है और अब चलते हैं स्टेशन के अंदर। ध्यान रखें कभी भी बिना टिकट यात्रा ना करें। कुछ बेशरम लोग होते हैं जो बिना टिकट यात्रा करते हैं, फिर पकड़े जाने पर उनसे भारी जुर्माना वसूला जाता है। यह एक सामाजिक बुराई भी है और दंडनीय अपराध भी है। तो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा जुर्माना भरना पड़ सकता है। खैर, यहाँ पर प्लेटफॉर्म 3 पर खड़ी है दिल्ली सरायुल्ला सुपरफास्ट और अपनी ट्रेन है प्लेटफॉर्म 2 पर जोधपुर साबरमती इंटरसिटी, जो कि वाया जालौर होकर चलती है। तो यह लोकोमोटिव अपनी ट्रेन को हॉल करेगा आज भगत की कोठी शेड का WDP 4D 40092, गाड़ी संख्या 20485 जोधपुर साबरमती के साथ। अपनी ट्रेन डिपार्ट होने के लिए एकदम तैयार खड़ी है। 11:50 पर जोधपुर से रवाना होती है डेली। तो अपनी ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया है डॉट ऑन टाइम 11:50 पर। तो डिपार्चर लेते ही गांधीधाम शेड का WDG 4G देखने को मिल गया है हमें। तो अभी अपनी ट्रेन डाउन लाइन पर मूव कर रही है और ट्रैक चेंज करके अप मेन लाइन पर आएगी और ये खतरनाक पुलिया के ऊपर से गुजर रही है अपनी गाड़ी। और ये दूसरी साइड में जोधपुर डिवीज़न का DRM ऑफिस देखने को मिल जाता है जोधपुर से डिपार्चर लेते ही। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ट्रेनों के खाली रैक हो जाते हैं उनको पार्क करने के लिए एक्स्ट्रा ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं। इस वाली साइड में 2 एक्स्ट्रा ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं और अपोजिट वाली साइड में 1 ट्रैक बनाया जाएगा ताकि जो ट्रेनें अपनी जर्नी ख़त्म कर लेती है उन्हें यहाँ खड़ी किया जा सके। तो हमें रोक दिया भगत की कोठी आउटर पर और सामने से आ रही है बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस। तो यह ट्रेन है 14888 बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस, जिसे कि स्थानीय लोगों द्वारा कालका के नाम से भी जाना जाता है।
जोधपुर और भगत की कोठी के बीच में आपको मेहरानगढ़ फोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। मौसम थोड़ा क्लियर नहीं है तो विजिबिलिटी लो है आज। तो ये सामने भगत की कोठी यार्ड में खड़ा है टीकेडी का खूबसूरत सा WDP 4D 40110 और साथ में कुछ मालगाड़ियाँ भी खड़ी है। भगत की कोठी अराइवल ले लिया है अपनी ट्रेन ने और अपनी जर्नी का ये पहला और आखिरी हॉल्ट होने वाला है। इसके बाद सीधा लूनी जंक्शन पे मिलेंगे जहाँ अपनी शॉर्ट राइड ख़त्म होगी। भगत की कोठी डीजल लोकोमोटिव शेड जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा डीजल लोकोमोटिव शेड है लोको होल्डिंग के मामले में। और थोड़ी दूर आने पर दिख जाता है भगत की कोठी का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ट्रिप शेड जो कि अभी फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन में है और नॉन ऑपरेशनल है। और बासने से पहले स्लो डाउन कर लिया था लेट सिग्नलिंग के कारण और दोबारा से एक्सेलरेट करेगी और अपनी ट्रेन।
अलावास रेलवे स्टेशन एकदम शानदार तरीके से स्किप करने के बाद उम्मीद थी कि हनवंत को भी कुछ इसी प्रकार स्किप करेंगे, लेकिन यहाँ पर TSR यानी कि टेम्पररी स्पीड रेस्ट्रिक्शन होने की वजह से ट्रेन ने स्लो डाउन कर लिया है। तो यह है हनवंत रेलवे स्टेशन के दूसरे साइड का व्यू। छोटा सा स्टेशन है, गांव है और स्लोली स्किप कर रही है अपनी ट्रेन और बहुत जल्द एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। वो अपने राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में रेगिस्तान ही नहीं है, हरियाली भी है। आप देखिए दूर दूर तक खेतों में हरियाली नज़र आएगी और बल्कि इस बार तो मेवाड़ से ज़्यादा बारिश मारवाड़ में देखने को मिली है। तो आखिरी MPA सेक्शन के बाद अपनी ट्रेन स्लो डाउन हो रही है क्योंकि लूड़ी जंक्शन ऑलमोस्ट आने ही वाला है।
ये जो ट्रैक कर्व होके जा रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म एक और दो पर जा रहे हैं। इन दोनों प्लेटफॉर्म पर पाली मारवाड़ और मारवाड़ जंक्शन की तरफ जाने वाली ट्रेनें आती हैं और अपनी ट्रेन लूनी से समदड़ी की ओर उड़ जाएगी। इस कारण प्लेटफॉर्म 3 पर अपनी ट्रेन अराइवल लेगी। लूनी पर एंटर करने से पहले आता है 90 डिग्री का खूबसूरत सा बड़ा सा सी टर्न। तो आज की अपनी डेस्टिनेशन यही है लूनी जंक्शन, और अपनी ट्रेन अराइवल ले रही है लूनी जंक्शन पर। लूनी जंक्शन पर आते ही आपको लूनी के फेमस रसगुल्ले के थैले भी देखने को मिल जाएंगे। हालांकि मुझे तो कुछ इनका स्वाद ज़्यादा खास लगता नहीं है। आपने कभी खाया है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कैसे लगे। इस साइड में खड़ा है हाई राइज पेंटोग्राफ के साथ वैग 9 किसी मालगाड़ी के साथ, जो कि पाली मारवाड़ की साइड जाएगा, और दूसरी साइड में खड़ी है अपनी इंटरसिटी जो कि अपने आगे के सफ़र पर जाएगी। गाड़ी संख्या 20485 जोधपुर साबरमती इंटरसिटी सुपरफास्ट 11:50 पर जोधपुर से रवाना होती है, और यह ट्रेन रात को 8 अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन पर पहुंचाएगी। और आज की अपनी शॉर्ट जर्नी यहीं पर एंड होती है। ट्रेन निकल जाएगी अपने आगे के सफ़र पर और अपन वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर कैसा लगा वीडियो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी लेटेस्ट वीडियोज़ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स को देखने के लिए।